तो दिल थाम कर बैठिए, आपको जब शो करवाते हैं न्यू एंट्री का, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे बर्ड्स हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे बर्ड्स हैं, ये हमने लिए हैं जी हमारी ऑस्ट्रोलोप के एक्सचेंज में। और आप लोग बताइएगा कि भाई आपको ये कैसे लगे हैं। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से उड़ रहे हैं, खुश हैं बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कमर जमान। तो जैसे जैसे सेटअप जो वो प्यारा होता जा रहा है, मेरा बहुत ही यानी कि खुशी से दिल करता है वीडियो बनाने का। तो यहाँ पर हम लोग ग्रास ला चुके हैं और माशाल्लाह ग्रास जो है लगा हुआ थोड़ा थोड़ा ग्रो करना भी स्टार्ट हो गया। बहुत ही यानी कि मुझे ज़्यादा खुशी है जब मैं इमेजिन करता हूँ कि हमारा सेटअप जो है आने वाले टाइम पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो आज क्या है, हमारे पास जो ऑस्ट्रोलोप की मुर्गियाँ थी बहुत सारी, शुरू से तो मैंने माशाल्लाह चिक्स लिए थे, उनको पाला था, बहुत सारी बड़ी बड़ी मुर्गियाँ कर ली थी, उनके लिए मैंने मुर्गियों की जगह भी बनाई थी अच्छे से। और अब जो है कुछ मुर्गियाँ मेरे पास है, लेकिन इनको मैं कह लें कि किसी को देने जा रहा हूँ, ये अपने नए घर जा रही हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं कुछ फैंसी मुर्गियाँ लाना चाहता हूँ, खूबसूरत सी, और ब्लैक मुर्गियों को देख देख के थोड़ा सा दिल भी थक गया। तो मैंने सोचा यार फैंसी फैंसी मुर्गियाँ लाएंगे, प्यारी सी, थोड़ी डिफरेंट सी, बेशक बच्चे चूजे जिस तरह के भी होना, रंग बिरंगी मुर्गियाँ फिरेंगी, एक यानी कि हम बनाएँगे चिकन्स वर्ल्ड या फिर जो कुछ भी इस तरह का कुछ बनाएँगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, लेट्स गो। तो पहले मेरा मूड था कि जी मैं यानी कि आप लोगों को पता है कि जो भी बर्ड्स का शौक़ वगैरह करते हैं तो ऑनलाइन ग्रुप्स भी बने हुए हैं, मेरा मूड था कि भाई वहाँ पर दे दूं। लेकिन फिर जो है ना ऐसे हमसायों में ही किसी होटल वाले ने कहा कि भाई हमें मुर्गियाँ चाहिए, आपके पास हों तो हमें दो। तो ये मैं दो पीस लेकर गया था उनको दिखाने के लिए कि भाई बड़ी मुर्गी भी है, छोटी मुर्गी भी है, आम इनके जिस तरह से होती हैं, ठीक है। तो मैं जो है ना अपनी तरफ से जो भी डील करता हूँ हर चीज़ सामने रखता हूँ। तो अब मैं बाकी की मुर्गियाँ लेने हैं, उन्होंने मुर्गियाँ देखी हैं, उनको पसंद आई हैं, बाकी की मुर्गियाँ मैं लेके जाता हूँ। हो सकता है कि वो रख लें, हो सकता है वो ना भी रखें, तो कोई इशू नहीं, हमारी मुर्गियाँ वापस आ जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वैसे भी देखने से आपको सब्ज़ा मालूम हो रहा होगा, लेकिन ये जो सब्ज़ा है ना ये पानी की वजह से हुआ है, लेकिन जो ग्रास है वो ये देखें, ये देखें सब सब सा ग्रास उग रहा है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो बड़ी खुशी है, ये देखें, ठीक है। तो इस आधी जगह पर तो ग्रास अच्छे से लग चुका था, ठीक है, यहाँ पर आधे हिस्से में, और कुछ मैंने यहाँ पर भी लगा दिया था कि भाई इसको जब बनाते रहेंगे तो बनाते रहेंगे, लेकिन ग्रास जो है वो यहाँ पर उग गए। और यहाँ पर कुछ घास लगा है, लेकिन आधी जगह यहाँ पर दरमियान में खाली है, इसमें ग्रास लगाना रहता है जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से। और यहाँ पर भी मैंने ग्रास लगा दिया था तो यहाँ पर भी हरियाली हो जाएगी। और इस तरफ को अंदर की तरफ भी मैंने ग्रास लगा दिया था हाफ हिस्से में, क्योंकि यहाँ पर हमने रैबिट्स का हाउस बनाना है, तो वो फिर बनाएंगे, आप लोगों को दिखाऊंगा। ऐसा ऐसा सेटअप जो है प्यारा हो जाएगा, छोटे से छोटे कहाँ पर भी 10-15 हज़ार 20 हज़ार खर्चा आराम से आ जाता है। और यहाँ पर जो हमारा अनार का पौधा लगा हुआ ना, तो अब मैंने देखे माशाल्लाह, ये देखें कितने प्यारे प्यारे इस पर फूल आए हुए हैं, ये देखें भरा हुआ है। वैसे मेरा मूड था कि मैं यहाँ पे प्लांट को चेंज करूंगा, लेकिन अब जिस तरह इस पर रेड रेड प्यारे प्यारे से अनार के फूल आए हुए हैं, शायद के अनार भी लगें, तो अब मैंने इसको यहीं पे रहने देना, इसको नहीं छेड़ेंगे अब, ठीक है। काफ़ी खुशी हुई है, मैंने अभी देखा, मैंने कहा देखूँ एक आधा फूल अगले दिन था, लेकिन अब माशाल्लाह बहुत सारे आए हुए हैं। तो बारिशों का मौसम चल रहा है, अभी भी बारिशें हैं, हमारे जो टर्की बर्ड्स हैं वो इन केजेस में है, ठीक है। तो अंदर से थोड़ा बहुत मैंने मिट्टी वगैरह डाल दी थी, शापर बिछा लिया था, क्योंकि हर बार पानी भर जाता था, मिट्टी डालने से ये हुआ कि पानी नहीं भरा रहता। और यहाँ पर जहाँ पर मिट्टी डाल लिया तो हाफ एरिया में हम प्लांट्स भी लगा सकेंगे, ग्रीनरी भी कर देंगे, जिससे कि ये जगह खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। इसके कुछ मज़ीद काम भी हम करेंगे, फिलहाल थोड़ी देर पहले बारिश हुई, अब दोबारा से मौसम बना हुआ है, तो मैं आपको मुर्गियाँ दिखाता हूँ, मुर्गियाँ लेकर चलते हैं। कमाल की बात हो गई है, ये देखिए एग शेल पड़ा हुआ, अभी अंडा पड़ा हुआ था, मैंने नहीं उठाया कि भाई मैं वीडियो में दिखाऊंगा, और ये देखिए इन्होंने अंडा खा लिया एग शेल। तो इन्होंने जो अंडा खा लिया है, ऑस्ट्रोलोप असील मैं नहीं दे रहा क्योंकि एक मुनफरिद मुर्गा है, और बाकी जो हमारे पास ऑस्ट्रोलोप की मुर्गी है मुर्गा है, इनको मैं केज में डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो केज हमारा यहीं पर छपरे के नीचे पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है बारिश वगैरह होती है तो ये छपरे के नीचे रहे, सर्दी गर्मी मुझे परेशानी नहीं होती, ठीक है। तो अब ये जा रही हैं, हम न्यू बर्ड्स लाएंगे या कुछ जाली वगैरह ले लेंगे, कुछ और कोई किसी ना किसी काम में लगा देंगे, लेकिन और अच्छी अच्छी खूबसूरत जैसे सिल्की के चिक्स हो गए, फैंसी चिक्स हो गए, वो लाएंगे ताकि रंग बिरंगी मुर्गियाँ जो हमारे सेटअप पर दिखें और आपको भी प्यारी लगें। तो इनको मैं पकड़ के केज में बंद कर लूँ, फिर थंबनेल बनवाते हैं और फिर इनको ले कर चलते हैं। कमाल ही हो गया, चार मुर्गियाँ मैंने पकड़ के इसमें बंद कर ली हैं इस केज में, और बाकी के जो दो पीसीज हैं, एक मुर्गी देखे वहाँ पर भागी फेरी है,
और मुर्गा जो है वो इस तरफ को आया हुआ है। अब ये है मेरे पास, इसके साथ मैं पकड़ लूँगा इनको, वरना जो है मुझे ये बहुत ज़्यादा थका देंगी। तो यहाँ पर हमारा एक मुर्गा और मुर्गी जो है भाग चुके हैं, इनको मैं पकड़ के केज में बंद करता हूँ। उन केजिस से भाग गया, यहाँ पर खुले फिरे। तो ये मेरे पास है, इसे हम कबूतर वगैरह पकड़ते होते हैं, मैं तो खैर नहीं उड़ाता, लेकिन चलिए इसे हम पकड़ लेते हैं। ये देखें चिड़ी मारी में आज का हमारा पहला शिकार, कबूतर, कबूतर नहीं सॉरी मुर्गा। बाकी के मुर्गे मुर्गे शॉट आ रहे हैं यार। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुर्गे मैंने पकड़ लिए, और ये जब अपने नए घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और माशाल्लाह काफ़ी हैवी हो गया है केज, इनका वेट काफ़ी अच्छा है, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इनमें कोई ख़ास किस्म की मोर्टैलिटी देखने को नहीं आई। और माशाल्लाह ये बीमार भी यानी इस तरह से नहीं होती जिस तरह दूसरे बर्ड्स होते हैं, असील गिरे हैं तो फिर सारे गिरते जाते हैं, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अच्छा सर्वाइव किया। एग्स भी देते हैं, कल भी दिए थे, आज भी दिए थे, और ऐसे घूमने फिरने पर भी देती रहती थी। तो अब जो है ये जा रही है, हम इन्हें मिस तो करेंगे लेकिन ज़रूरी है, अब न्यू बर्ड्स जो लाने हैं तो इनको भेजते हैं, न्यू बर्ड्स लाएँगे फिर। तो चलिए इनको छोड़ के आते हैं। तो ऑस्ट्रोलोप की जो हमारी मुर्गियां वो मैं लेकर गया था और सेल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने नए घर चली गई हैं। और मैं उन यानी कि वो जो मैंने बर्ड सेल किया तो उसके एक्सचेंज में मैंने न्यू एंट्रीज भी जो है वो भी ले आया हूँ सेटअप पर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और आप लोग को यकीनन पसंद आएंगी। तो दिल थाम कर बैठिए, आपको जब शो करवाते हैं न्यू एंट्री का, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे बर्ड्स हैं, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे बर्ड्स हैं। ये हमने लिए हैं जी हमारी ऑस्ट्रोलोप के एक्सचेंज में, और आप लोग बताइएगा कि भाई आपको ये कैसे लगे हैं। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से उड़ रहे हैं, खुश हैं बहुत ज़्यादा। तो ये देखें बड़े ही प्यारा कलर है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। यानी हमारे पास जो ऑस्ट्रोलोप हैं वो तो हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे, और साथ ही जब ये वाले बर्ड्स मुझे दिखे तो फिर मैंने कहा यार उसके बदले मैं यही ले लेता हूँ। माशाल्लाह कितने प्यारे भी हैं और हमारे सेटअप पर प्यारे भी लगेंगे, और आप लोग बताइएगा कि भाई ये आपको कैसे लगे हैं, ठीक है। तो मैं तो अपने शौक के लिए लाया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो ये देखिए उड़ रहे हैं, अभी हवा चल रही है ना तो इस वजह से। बाकी ये कि मैंने कहा नीचे से ट्रे है नहीं, ये ना हो कि ये निकल जाए, तो इसी वजह से मैंने फिर नीचे बोरा बिछा दिया। बर्ड्स की केयर भी तो हमारा हक बनता है। तो खैर यकीनन उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारे ये न्यू बर्ड्स है, न्यू पेट्स क्या बर्ड्स ही हैं, तो आपको पसंद आए होंगे। और अब इनको इस केज में तो नहीं रखना क्योंकि यहाँ पे नेवले वगैरह होते हैं, तो इसमें से मैं इनको निकाल लूँगा, वरना ये जो है ना ये बारीक बारीक तारे होते हैं तो इसमें से नेवला जो है वो फिर इनको निकाल लेगा। तो इसलिए मैं इनको निकाल के अपनी पॉकेट में रख लूँगा और फिर आज की वीडियो को कह लेंगे कम्प्लीट। तो चलिए अब ऐसा करते हैं कि इन बर्ड्स को निकाल लेते हैं, क्योंकि अब बस वीडियो कम्प्लीट होने वाली है, तो मैं इनको इकट्ठा कर लूँ, उठा लूँ। और दूसरा फिर ये कि इसके बाद यानी कोई ना कोई न्यू एंट्री करेंगे, आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी। ये फिर मैंने कहा यार आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है बर्ड्स के सीन में ऐसा होता रहता है कि आप लाते भी हो तो सेल भी कर सकते हो। तो मुर्गियां वैसे तो मैंने सारा सीज़न रखी रही कि भाई सर्दियों में अंडे खाएंगे और ख़ास करके वीडियोस बनाने के लिए, लेकिन अब जो है शायद किसी के नसीब में लिखी हुई थी तो अब चली गई वहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत वाला काम है अब, ये देखें ना उसने वाले 1000 वाले नोट दिए थे, लेकिन मैंने ना खुले करा लिए कि भाई वीडियो बना लेंगे ना यार इस वजह से। हाँ तो देखें कितने प्यारे कलर के हैं, इसके साथ पता नहीं क्या होता रहा है। ये देखें ये भी थोड़े अच्छा है, ये भी अच्छा है, और ये भी अच्छा है, और बस मैं कलेक्ट कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गियाँ जब अब अपनी देकर आ चुका हूँ, और ये जो पैसे थे उन्हीं के थे, तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट करके दिखाया जाए, इसलिए मैंने पैसे जो वो खुले करा के तो थोड़ा सा इस तरह से बना दिया। बाकी शो ऑफ का कोई माइंड नहीं था और ना ही इतना ज़्यादा पैसा है फ़िलहाल, लेकिन जब अल्लाह ताला देगा तो आप लोग देखेंगे कि हमारा सेटअप भी बहुत खूबसूरत होगा, और यहाँ पर आपको जो तरह तरह के बर्ड्स का शौक करने को दिखेगा मिलेगा भी। और ये जो पिंक बर्ड्स हैं इनसे अच्छे बर्ड्स भी होते हैं, रेड कलर वाले या फिर कह लें कि ब्लू कलर वाले, लेकिन उतनी अभी फुर्सत नहीं है, लेकिन आपको जो है हर तरह का शौक करने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। 50 रुपये गिर गए हैं तो उठा लूँ, ठीक है जी। तो
बस आज की वीडियो इतनी थी, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।